दोस्तों ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो मेंबर्स हैं जिनका पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग हुई थी सितंबर 2020 में, यानी कि सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की मीटिंग हुई थी और वहां पर EDLI योजना के तहत जो है अधिकतम बीमा राशि को बढ़ाकर जो है 7 लाख रुपए कर दिया गया था, निर्णय लिया गया था। तो उसी को लेकर जो है गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है सरकार की तरफ से, श्रम एंड रोजगार मंत्रालय की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हो EPFO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in, और यहाँ पर गैजेट नोटिफिकेशन लगा दिया गया है। कब लगाया गया है? 29/4/2021 को, यानी कि 29 अप्रैल 2021 को ये गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, 28 अप्रैल 2021 को। बाकी इस गैजेट नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर PDF दिया गया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या बताया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 29/4/2021 को EPFO के जितने भी ऑल ACC जोन्स, ऑल RPFC इंचार्ज और ऑफ ROs जो हैं उनको भेजा गया है, इसके बारे में बताया गया है गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पर देख सकते हो Please find include a copy of above mentioned notification issued by the Ministry of Labour and Employment amending the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976। और यहाँ पर जो बेनिफिट किया गया है 1 लाख रुपए जो बढ़ाए हैं, द मैक्सिमम एश्योर बेनिफिट पेबल अंडर पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ का नाम दिया गया है, ऑफ EDLI स्कीम हैज बीन इनहेंस्ड टू ₹7 लाख फ्रॉम ईयरली मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ₹6 लाख। जो पहले जो 6 लाख का बेनिफिट था उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपए। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम जो है एश्योर बेनिफिट पेबल अंडर पैराग्राफ EDLI स्कीम हैज बीन फिक्स, यानी कि जो मिनिमम बेनिफिट है मिनिमम जो है फिक्स कर दिया गया है ₹2,50,000 विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि कब से लागू होगा, 15/2/2020, यानी कि 15 फरवरी 2020 से लागू हो जाएगा, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स ऑफ सैड बेनिफिट। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो है यहाँ पर जो है भारत का राजपत्र जो होता है जो गैजेट ऑफ इंडिया यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, यहाँ पर 28 अप्रैल 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर इस गैजेट नोटिफिकेशन का अधिसूचना का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो यहाँ पे कि ये जो स्कीम है इसका मतलब क्या है। कि अगर किसी का पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट चालू है और नौकरी करते करते समय उसकी, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी पीएफ अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है, तो EDLI जो स्कीम है उसके तहत उसको मैक्सिमम 7 लाख रुपये मिलते हैं और मिनिमम जो है 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। यहाँ पर इस गैजेट नोटिफिकेशन में ये जानकारी शेयर की है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने 15 फरवरी 2018 को एक अधिसूचना के जरिए EDLI के तहत जो है न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था। बट ये जो वृद्धि करी गई थी ये 2 साल के लिए की गई थी, इस अवधि की जो डेट थी वो 15 फरवरी 2020 को समाप्त हो रही थी, इसलिए इसी लाभ को 15 फरवरी से आगे जारी रखने और पूर्व की तिथि से प्रभाव में रखने के लिए संशोधन को फिर से अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित नहीं होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता दूं कि CBT ने अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने के लिए सितंबर 2020 में EDLI 1976 के पैराग्राफ 22(3) में संशोधन की मंजूरी दी थी। इस संशोधन का मकसद योजना से जुड़े उन सदस्यों के परिवार और आश्रितों को राहत प्रदान करना है जिनका सेवा में रहते दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है। CBT की मार्च 2020 में हुई बैठक में न्यूनतम यानी कि मिनिमम 2.5 लाख रुपए का निश्चित लाभ उस मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देने की सिफारिश की जिनका निधन सेवा के दौरान हो जाता है। इससे पहले ये नियम था कि न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 6 लाख रुपए की बीमा राशि उस स्थिति में नहीं मिलेगा जहां सदस्य ने मृत्यु वाले महीने के पहले 12 महीने की अवधि में एक से अधिक प्रतिष्ठान में काम किया है। बोर्ड की मार्च 2020 में 226वीं बैठक में सदस्य के कई प्रतिष्ठानों में काम करने की स्थिति में ये लाभ देने को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताना था कि सरकार की तरफ से जो है गैजेट नोटिफिकेशन अधिसूचना निकाल दी गई है। अगर आप EPFO के मेंबर हैं, PF अकाउंट होल्डर्स हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए।